कृषि हेल्पलाइन की तरफ से मैं मनोज कुमार आप सभी व्यूअर्स का यहाँ पहुँचने पे धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो पे दिखाया था कि कंबाइन खरीदने के समय में आपको क्या क्या विशेषताएं देखनी है कंबाइन के लिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कंबाइन किसी भी कंपनी का फाइनलाइज करने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, या कंबाइन खरीदने के समय आने के लिए पंजाब में किस तरीके से आप यहाँ पहुँच पाएंगे, या फिर आपको कंबाइन यहाँ से लेके जाने के समय में क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंबाइन खरीदने के लिए आपको आधार कार्ड पैन कार्ड होना अनिवार्य है। आधार कार्ड उसका पहचान पत्र हो जा रहा है। पैन कार्ड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंबाइन के ऊपर 10 लाख से ऊपर का इम्प्लीमेंट्स अगर आज की डेट में आप कोई भी खरीदते हैं तो आपका एक TCS कटता है 1%, उसके लिए आपको पैन कार्ड का भी होना अनिवार्य है क्योंकि बिना पैन कार्ड के आपके ऊपर TCS नहीं कट पाएगा, और अगर TCS आपका जमा नहीं होगा तो वो 1% कहीं ना कहीं वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। अब यहाँ पंजाब में नाभा में सेल्फ प्रोवाइड कंबाइन हार्वेस्टर की एक हब होने की वजह से आप किसी भी स्टेट में रहते हैं तो आपको अपने व्हीकल के थ्रू या ट्रेन जैसे भी आपको शूटेबल करेगा तो आपको नाभा के नज़दीक ही आना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं नाभा में ही मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, कुछ कंपनियाँ जो हैं भादसों में, वो भी नाभा से 20 किलोमीटर के दायरे में है, कुछ कंपनियाँ समाना में हैं वो भी नाभा से 30-35 किलोमीटर के दायरे में है, कुछ कंपनियाँ हैं वो मलेरकोटला में है वो भी नाभा से 30-35 किलोमीटर के दायरे में कंबाइन बनाती हैं। ये सब कहीं ना कहीं जो लिंक है उनका नाभा के साथ जुड़ता है, तो आपको सेल्फ प्रोवाइड कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने के लिए नाभा ही आना पड़ेगा। अगर आप TMC मतलब ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन का अगर प्लान कर रहे हैं तो वो आपको हंडियाया में ज़्यादा मिलती हैं, वो बरनाला के बगल में पड़ जाता है। बाकी रह गई आपको कंबाइन खरीदने के समय में आने के बाद की ये प्रक्रिया हो गई। उससे बाद जब अगर आपको बात किया जाए कि कंबाइन खरीदने के समय में बहुत सारे फोरमैन हेल्पर टाइप लोग जो रहते हैं, जो ड्राइवर होते हैं ऑपरेटर होते हैं, वो आपको बोल के चलते हैं कि सर देखिए कंबाइन के साथ आपको 1 लाख का सामान लेके जाना पड़ेगा, 50,000 का सामान लेके जाना पड़ेगा। पर जो आधुनिक तरीके से कंबाइन बन रही है, जो आज की डेट में कंबाइन बन रही है, आपको इतना स्पेस लेके जाने के लिए मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। बाकी तो आप खुद समझदार हो क्योंकि फोरमैन लोगों का यहाँ पे बहुत सारे कमीशन एजेंट के थ्रू पे मिल जाते हैं, उनका स्पेस के साथ एग्रीमेंट रहता है, वहाँ पे जाके उनकी अपनी सेटिंग होती है तो वो आपको मैक्सिमम स्पेस दिलाने की कोशिश करेंगे। पर अगर हम लोग बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो आइटमें हैं जिसमें से जिसके बिना कंबाइन रोड के ऊपर चलने में दिक्कत होती है, तो उसमें सबसे बड़ी ये है कि कंबाइन के ऊपर जो है मेन 3175 की एक बेल्ट लगती है, इसके बिना काम चल ही नहीं पाता क्योंकि रोड के ऊपर चलने के लिए ये बेल्ट मस्ट है। वो सभी में साइज़ एक ही होता है, 3175 ही उसमें लग जाता है। बाकी फिर उसके बाद आ जाता है इंजन के जो जब वर्किंग पे होता है तो वो उसमें फ्लैट बेल्ट बोलते हैं। आपको दिखाना चाहूँगा मैं अभी खोल के वो कहाँ पे होती है। इस बेल्ट को हमारे यहाँ पे फ्लैट बेल्ट बोला जाता है। ये साइज़ वेयर एंड टेयर होगा, हर कंपनी का साइज़ उसका अलग होगा, उसका अपना होगा। मतलब ये 3550 लगता है कहीं में 35 लगता है, कहीं पे 3825 लगता है, कहीं से 3800 लगता है, कहीं पे 3850 लगता है। वो आपको जब भी किसी कंपनी के साथ आपका अगर एग्रीमेंट हो जाता है आप ख़रीदने के लिए जाते हैं तो वो उनका साइज़ पता करके एक ये बेल्ट एक ये बेल्ट ये 3175 मोस्टली 3175 ही रहती है सेल प्रोवाइड में, चाहे वो 51 इंच मशीन है, चाहे वो 46 है, चाहे 41 है, वो सब में मेन बेल्ट यही लगती है 3175। एक इसके अलावा एक पंप के लिए जो बेल्ट लगती है वो ये वाली बेल्ट है, वो भी सी साइज में रहती है, वो अलग ही रहेगी। मतलब वो उसमें वो ये वाली बेल्ट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये वाली बेल्ट है, ये सी साइज़ में बेल्ट है, लेकिन इसका साइज़ जो है वेयर एंड टेयर होगा। किसी का C79 लगता है, किसी C78 लगता है, किसी C72 के बाद 82 लग जाएगा, 84 लग जाएगा, वो साइज़ वेयर एंड टेयर होगा। ये तीन बेल्टें आपको मस्ट चाहिए। और जब आप कंबाइन खरीदते हैं यहाँ से ऑपरेटिंग करते हैं तो आपको एक मेरे हिसाब से 1 kg ग्रीस का डब्बा,
वो लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कंबाइन जो है यहाँ से अगर आप लेके जाते हैं तो उसका वर्किंग डिस्टेंस जहाँ पे ये जाएगी वो वेयर एंड टेयर है, कहीं 500 किलोमीटर पे जाना है, 800 किलोमीटर पे जाना है या 1000 किलोमीटर पे जाना है, तो रास्ते में एक दो बार उसको ग्रीसिंग करना कंपलसरी है। ग्रीसिंग के करने के से ये होगा कि आपका कोई बैरिंग टूट फूट या कुछ ऐसा नहीं होगा, सूखा चलने के बाद वो कहीं रहता है। फिर सबसे बड़ी बात क्या है, आप कहीं पे भी कंबाइन खरीदें उसके आगे वाले टायर के नट और पीछे वाले टायर के नट, ये कुछ किलोमीटर चलाने के बाद इसको एक बार दोबारा से रीचेकिंग कर लें कि इसमें से कोई लूज़ नहीं हुआ या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वेयर एंड टेयर तो नहीं। अगर आप एयर की बात करेंगे तो फ्रंट टायर की एयर जो है वो 28 से 32 के बीच में रहेगी, और अगर पीछे वाले टायर की अगर एयर की कंप्रेशर करेंगी बात करेंगे तो वो 45 टू 55 के बीच में रहेगा। तो ये सब कंपनियों के बीच में एक ही रहता है, तो ये आपको एयर कंप्रेशर जो है थोड़े देर बाद इसको रीचेकिंग करवा ही लेना चाहिए।